गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। आज का भी जो व्लॉग है एक थोड़ा यूनिक टाइप का व्लॉग रहेगा। आज वो आप लोगों को याद होगा, आज से 30-40 साल पहले अपन यहाँ से जो रेलवे स्टाफ या रेलवे स्टाफ की फैमिली जो है वो एच केबिन का जो लेवल मेन लाइन जो है, एच केबिन के पास जो मेन लाइन है उसको क्रॉस करके उनको जी के बिन गाड़ी पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। या कोई रेलवे स्टाफ है जो जो मेन लाइन को क्रॉस करके PWA ऑफिस, ATFR ऑफिस, इलेक्ट्रिक लोको शेड, लोको शेड और भी कोई जगह उस तरफ ट्रैक के उस तरफ, मेन लाइन के उस तरफ अगर उसको जाना पड़ता था तो उसको बहुत देर तक ना मेन लाइन के पास खड़े रहना पड़ता था। क्योंकि वहाँ पर क्या है, मेन लाइन में गाड़ियाँ आ जाती, माल गाड़ी आ जाती थी तो पहले ड्राइवर चढ़ता था, फिर उसके बाद गार्ड चढ़ता था, फिर उसके बाद गाड़ी निकलती थी। इस कड़ी में बहुत देर तक स्टाफ को और लोगों को सफ़र करना पड़ता था। लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और जो अति साहसी व्यक्ति थे वो क्या करते थे, गाड़ी के नीचे से या कपलिंग के ऊपर से चढ़ के पार हो जाते थे। लेकिन वो बहुत बड़ा रिस्क रहता था, एक लाइफ रिस्क, अपने एक जान को जोखिम में डाल के वो लोग पार करते थे। लेकिन क्या है, अगर नहीं करेंगे तो सामने गाड़ी छूट जाएगी या ड्यूटी मिस हो जाएगा या जो भी XYZ है। तो वो बड़ा, वो जो समस्या है ना कई सालों तक चला भाई। तो पहले लोगों को समझ भी नहीं आता था कि क्या होगा कैसे होगा। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली और जनता की मांग, जो जनता की मांग के अनुसार और रेलवे बोर्ड का जो गाइडलाइंस भी जो है उसके अनुसार क्या हुआ, जितने भी मेन लाइन हैं वहाँ पर वो अंडर ब्रिज का निर्माण चालू हो गया। तो उस समय लोग बड़ा कष्ट करके, समय को बहुत ज़्यादा वेस्ट करके कैसे भी करके चले जाते थे। बाद में आज का जनरेशन को एक ऐसे गिफ्ट भी मिल गया, समय भी कम लगता। आज रेलवे स्टाफ हो चाहे रेलवे स्टाफ का परिवार हो, अगर ट्रैक के उस पर जाना है अगर उसको, तो बड़ा ईजिली वो चले जाता है, अंडर ब्रिज से फटाफट निकल के चले जाता है। देखोगे तो उरला लेवल क्रॉसिंग, उरला लेवल क्रॉसिंग से लेके अपना एच केबिन और उस तरफ सी केबिन के आगे से कुब्दा गांव जो उरला गांव, वहां से लेके जी केबिन तक का, सॉरी 6 अंडर ब्रिज वो सैंक्शन हो गए हैं। बढ़िया अंडर ब्रिज 6 सैंक्शन हो गए, मज़ा आ गया बिल्कुल एकदम। और उन अंडर ब्रिज का निर्माण भी हो गया, 6 में से 4 अंडर ब्रिज जो है वो कंप्लीट है और पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। तो ईजिली वहाँ से ट्रैफिक आवागमन हो जाता है, लोग आना जाना बड़ा ईजिली कर लेते हैं। और 2 जो अंडर ब्रिज है, एक उरला लेवल क्रॉसिंग का और एक अपना डी केबिन का, ये दोनों लेवल क्रॉसिंग के अंडर कंस्ट्रक्शन है और नियर टू कम्प्लीशन है, बिल्कुल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज व्लॉग में बने रहिए और आपको मैं 6 जो अंडर ब्रिज है उसके बारे में दिखाऊंगा कि अंडर ब्रिज का एंट्री कैसा था, एग्जिट कैसा था और किस तरफ से एंट्री होता है, किस तरफ से एग्जिट होता है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, है ना। इसी कड़ी में ये पहला अंडर ब्रिज है, ये अपन रेलवे कॉलोनी की तरफ से आते हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से आएंगे तो अपने को ये पहला अंडर ब्रिज मिलेगा। ये वाई शेप अंडर ब्रिज है एक्चुअली। तो इसका जो एंट्री है, 2 तरफ से एंट्री है, एक रेलवे कॉलोनी की तरफ से एंट्री है और एक चिल्ड्रन पार्क की तरफ से एंट्री है पानी टंकी के पास से। और एग्जिट जो है वो ATFR ऑफिस की तरफ निकलता है। इसके बनने से क्या है कि आपको जी केबिन वगैरह तरफ जाने की एकदम सुविधा हो गया। आपको जी केबिन जाना है, ATFR ऑफिस, इलेक्ट्रिक लोको शेड ऑफिस, कहीं भी जाना है, फटाक से बिल्कुल यहाँ से ये एंट्री ले ली और इस तरफ से आप निकल जाओ। रोक ले, रोक ले, कि यहीं से मैं चालू करूंगा ना, अंडर ब्रिज का बना रहा हूँ। ओके, अंडर ब्रिज का बना रहा हूँ ना, उसी को डाल रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग दिखोगे ना। चलो भाई थैंक यू। तो एक रास्ता था ये जो अपना यहाँ से चिल्ड्रन पार्क की तरफ से एक रास्ता आता है यहाँ, तो पहले अपन यहाँ से आते थे। और ये वाला जो लेवल क्रॉसिंग है ये अभी बंद हो गया है वाला, यहाँ ठेला खड़ा है। इस लेवल क्रॉसिंग को पार करके अपन उसके बाद आगे बढ़ जाते थे। लेफ्ट साइड जाते थे तो अपना जो ATFR ऑफिस रहता था और राइट साइड जाएंगे तो आपका आई केबिन पड़ता था। ये एक अपना जो है
पानी टंकी जो है चिल्ड्रन पार्क की तरफ से एंट्री है वाला। ये मेन लाइन के पैरेलल में है, बिल्कुल बना हुआ है ना, मुंबई हावड़ा मेन लाइन। ये आपको साइड में दिख भी रहा होगा, चल रहा होगा। तो ये इस तरफ से एंट्री पॉइंट है, और एक जो एंट्री पॉइंट है वो आपका रेलवे कॉलोनी की तरफ से आ रहा है घर से, तो वाई शेप ये अंडर ब्रिज हुआ। और यहाँ से देखिए एग्जिट है इसका, इस ब्रिज का। ये अपन बढ़ रहे हैं ATF ऑफिस आई के बी। एंट्री लिए, दोनों एंट्री मैं आपको दिखा दिया, और ये इसका एग्जिट एग्जिट हो गया। आप कहाँ निकल रहे हैं इसको भी आप देख लीजिए। ये जब आप एग्जिट हुए, देखिए यहाँ पर ये इन लाइन है, और ये जब एग्जिट हुए हैं यहाँ अपन, तो ये अपन ATF ऑफिस की तरफ निकल गए बाहर। तो ये पहला अंडर ब्रिज है इस प्रकार का, एंट्री और एग्जिट। तो सेकेंड एंट्री जो है ये GK Bin के पैरेलल में है। ये GK Bin स्टेशन देख लीजिए ये वाला, और ये बगल में RRI कैबिन भी बन गया, बहुत बड़ा है, रूट रेले इंटरलॉकिंग कैबिन। ये GK Bin है, ये RRI है। तो देख लीजिए ये पूरा GK Bin बस्ती है, रेलवे ट्रैक है ये वाला, रायपुर से टुवर्ड्स दुर्ग की ओर ये मेन लाइन है, और इसके उधर पूरा GK Bin बस्ती है। तो ये यहाँ पर सेकंड जो है अंडर ब्रिज बन गया GK Bin के बिल्कुल पैरेलल में, देख लीजिए। तो ये अपन यहाँ इलेक्ट्रिकल पुराना ऑफिस है, इलेक्ट्रिकल ऑफिस ये वाला, इलेक्ट्रिकल जनरल का, इसी के बिल्कुल बगल में है। तो ये एंट्री पॉइंट है, देख लीजिए, यहाँ से आप एंटर हो रहे हैं ब्रिज के अंदर। पानी जमा हुआ है थोड़ा सा, थोड़ा है, चल जाएगा। हमने वहाँ से एंट्री लिया, और ये जो है PPR, इस तरफ PPR जाने का रास्ता है, ये बगल में इलेक्ट्रिक लोको शेड है। तो ये सेकंड एंट्री है इस प्रकार का। लेवल आप उरला तरफ से आएंगे, दूध फैक्ट्री तरफ से, तो ये जो लेवल क्रॉसिंग है इसको आप पार करने के बाद में देव बोला था बस्ती चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमेशा बहुत लंबा लाइन वगैरह लगे रहता था, बहुत वेटिंग करना पड़ता था। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप एंट्री लीजिए, और देव बोला था गाँव की तरफ एग्जिट पॉइंट है इसका। ये तीसरा ब्रिज है, देखिए इसको। तो हम लोग एंट्री ले रहे हैं, और साफ सफाई पेंटिंग वेंटिंग भी होना चाहिए ब्रिज का बीच बीच में, जो कि बनने के बाद एक बार भी नहीं हुआ लगता है, इस प्रकार का है ये इसका एग्जिट पॉइंट, ये एग्जिट पॉइंट है। तो ये एग्जिट हुआ, ये हम ब्रिज से बाहर निकल गए, और ऐसा आप सीधा जाएंगे तो देवबलदा बस्ती पड़ जाएगा, ये यहाँ पर CK Bin है। और चौथा जो है आपका, हालांकि उसको अपना को जरूरत नहीं पड़ता है, चौथा जो अंडर ब्रिज है ये रिसेप्शन यार्ड के बगल से निकल के जाएंगे, तो आप ये बगल में GK Bin के बगल में एक उरला गांव है, उरला से अंदर ही अंदर होते हुए आप रायपुर चले जाएंगे। तो उरला गांव वाले लोग के लिए भी एक अंडर ब्रिज का निर्माण हो गया था। ये इसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप एंट्री लेंगे और उरला गांव की तरफ आप इसको एग्जिट हो जाएंगे इस ब्रिज से, और वहीं से फिर आप निकल के मतलब रायपुर जा सकते हैं, अमलेश्वर जा सकते हैं, ये तीन चार जगह जा सकते हैं। तो ये एंट्री पॉइंट है यार ब्रिज का। तो पाँचवा नंबर का जो अंडर ब्रिज है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यार पुशिंग तो हो गया है, लेकिन अब उसके बाद का जो आउटलेट है, जो एग्जिट पॉइंट है, ये सब इसका बन रहा है, ये रोड है, ये सब बन रहा है, पुशिंग हो चुका है वहाँ से। ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं, उरला गेट जूम करके दिखा भी दे रहा हूँ आपको मैं, उरला गेट है सामने। उरला गेट से ये जो अंडर ब्रिज है ऐसा होते हुए इस तरफ बाहर निकल जाएगा यार, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है यार। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पुशिंग वगैरह ट्रैक के नीचे से पुशिंग वगैरह सब हो गया है, अब ये फाइनल टच बचा हुआ है, शेड वगैरह डलेगा और ये भी चालू हो जाएगा। इसके चालू होने से बढ़िया अपना उरला गाँव, देव बोलोदा वगैरह फटाफट लोग अपना निकल सकते हैं।
कुछ इस प्रकार का नज़ारा है पांचवा जो अंडर ब्रिज का। ये देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारे हैं CNW PO/Y के, और यहीं से आप देख लीजिए चीफ यार्ड मास्टर ऑर्डर CYM ऑफिस BMY। तो छठवां नंबर का जो ब्रिज है ये उसका एग्जिट पॉइंट है। आपका जोन टू का जो लेवल क्रॉसिंग है उस तरफ से ये एंट्री है और ये इसका एग्जिट पॉइंट है, मतलब इसका काम चल भी रहा है ना। ये बन जाएगा तो रोड ऐसा आएगा और RW ऑफिस की तरफ से मुड़ के उरला तरफ निकल के चले जाएगा और भी यहाँ लोगों को जाना पड़ेगा। ये इसका एग्जिट पॉइंट है वाला छठवां अंडर ब्रिज। चलिए हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सफर को। क्रॉसिंग ओपन हो गया। अरे क्या बात है, तो हम लोग आ गए हैं देख लीजिए छठवां अंडर ब्रिज के पास में हम लोग पहुंच गए। आप देखिए ये जो सामने से जो रास्ता आ रहा है ये जोन टू की तरफ से आ रहा है वाला रास्ता। जोन टू की तरफ से जब आएंगे तो ये एक अंडर ब्रिज और बन गया ये वाला। ये यहाँ पर डी केबिन के पास में एक लेवल क्रॉसिंग था, ये लेवल क्रॉसिंग बंद हो जाएगा। ये जब चालू होगा तो ये लेवल क्रॉसिंग बंद हो जाएगा ये वाला। तो ये जो एंट्री पॉइंट ये वाला है देख लीजिए, यहाँ से ये जोन टू की तरफ से एंट्री पॉइंट है, उस तरफ डी केबिन है और ये पूरा अंदर से होते हुए RW ऑफिस के सामने तरफ निकलेगा ये वाला। और उसी कड़ी में ये जो लेवल क्रॉसिंग है फिर ये बंद हो जाएगा ये वाला। पब्लिक जो है यहाँ से स्मूथली अपना आना जाना करेगी और ये मेन लाइन को क्रॉस करेगा और एक यार्ड का एक लाइन है उसको भी क्रॉस करेगा। काफ़ी बड़ा अंडर ब्रिज है वाला, तो ये भी करीब करीब कंप्लीशन की ओर ही है और जल्दी जैसा कंप्लीट होगा ये वाला चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये छठवां नंबर का जो अंडर ब्रिज है तो टोटल ये ऐसा क्यों उठा के रखे पता नहीं, क्यों नहीं समझ नहीं आ रहा है उठा के रखा हुआ है। बैलेंस बना रहे कि क्या कर रहे पता नहीं, मानना पड़ेगा। तो टोटल हमने आप लोगों को 6 अंडर ब्रिज दिखाया है जो BMY चरोदा और उसके आसपास के लोगों की लाइफ लाइन बन गई है, कुछ बन गई है और कुछ बनने वाली भी। तो टोटल जब 6 चालू हो जाएंगे, 4 तो ऑलरेडी चालू हो चुका है, बाकी 2 भी जब चालू हो जाएगा तो एकदम स्मूथली ट्रैफिक एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त आने जाने वाला होगा। कड़ी में जो है मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।